आपका क्वेश्चन है, गिवन अलोंग साइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी फाइंड। तो देर आर थ्री क्वेश्चंस, क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी। ठीक है ना, अब हम ग्राफ को देखते हैं। देखो ग्राफ कैसा है हमारा, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया है इन आवर्स, ठीक है ना, और y एक्सिस में दिया है वेलोसिटी दैट इज किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। तो अब देखो a यहां पर है, b है, b टू c इज कांस्टेंट, एंड c से फिर d आपका स्लोप में है ना, डाउन ना। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, उसको हम धीरे धीरे करते हैं। देखो a फर्स्ट वाला, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट c, तो c में आपकी वेलोसिटी कितनी है, तो ये देखो वेलोसिटी वाला तो कितनी है, देखो 40, बी में भी 40 है और सी में भी 40 है, तो दैट इज योर 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप लिख सकते हैं यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला उसने क्या कहा है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए इज हियर, बी इज हियर, तो इसमें कितना एक्सेलरेशन है, तो देखो यहां पर एक में कितना है 20 किलोमीटर पर, दैट इज योर यू इनिशियल वेलोसिटी, तो यू कैन राइट यू इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फाइनल कितनी हो गई 40, तो वी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम देखो कितना लिया है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, 1, 2 and 3, दैट इज 3 आवर्स, तो टी इज इक्वल टू वी कैन से 3 आवर्स, ठीक है ना। एक्सेलरेशन निकालना है तो बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। नाउ इसके अंदर वैल्यू पुट करो, देखो क्या आ रहा है आपका, वी इज 40, तो 40 माइनस 20 बाय 3, तो कितना हो गया 20 बाय 3, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 6.66, है ना, तो हमारा एक्सेलरेशन विल कम एट 6.66, यूनिट क्या होगा देखो किलोमीटर्स पर आर दिया इसने, तो दैट इज योर किलोमीटर्स पर आर स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो थर्ड वाला देखो क्या है आपका, थर्ड वन में आपका है एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, तो बी एंड सी के बीच में व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो बाय सीइंग दिस आपका बी में भी 40 है सी में भी 40 है, देयर इज नो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन, है ना। और अगर आप इसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, यहां पर क्या है आपका, v इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड u इज ऑल्सो 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम देखो कितना लिया है उसने, 1, 2 and 3, तो t इज इक्वल टू वी कैन से 3 आवर्स, तो एक्सेलरेशन ये यहां पर वैल्यू डालो 40 माइनस 40, तो आपका आ गया 40 माइनस 40 बाय 3, तो दैट इज इक्वल टू 0 बाय 3, तो 0 बाय 3 हमारा कितना होता है 0, तो नाउ यू कैन राइट 0 किलोमीटर्स पर आर स्क्वायर, ठीक है, और डायरेक्टली यू कैन राइट 0, है ना, जेड ई आर 0, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से